कि वो दो मिनट में ही इसको मैं मुकम्मल कर दूं। मंच पे बैठे हुए हमारे एनसीडीसी के महामंत्री अध्यक्ष और हमारे आध्यात्मिक नेता जन और ईसाई और मुसलमान समाज के अनुसूचित जाति से संबंधित रखने वाले यहाँ पर जितने भी हमारे भाई और बहन यहाँ पर आए हुए, मैं आज उनका इस राष्ट्रीय प्रोटेस्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ और आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर से थॉमस खोखर आज आपके बीच में दलित ईसाइयों को जो अनुसूचित जात के मूल से संबंधित रखते हैं उनकी पीड़ा आपको यहाँ पर सुनाने आया हूँ। हम लोग पिछले कई वर्षों से मेला उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें रही हैं उन्होंने हमारी कोई एक बात नहीं सुनी और आज तक हमें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया। यह अनुसूचित जाति का दर्जा जो है यह हमारी बड़ी एक दरीना और बड़ी एक जायज मांग है जो सरकारें हमारे टालती रही। अभी हमारी बहन यहाँ से मैगलिन जी बोल रहे थे, सरकारों को चाहे वो केंद्र सरकारें हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनको एक ना एक दिन आज नहीं तो कल हमें ये हमारा अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो देना ही पड़ेगा। इसके लिए पिछली सरकारों ने जो राष्ट्रीय आयोग बनाए उनके जो सुझाव थे उनकी जो सिफारिश थी उनको उनके ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ वो तो आप सबको पता है, लेकिन पूरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको संसद के अंदर लाके जो एक हमारे अंदर उम्मीद जगाई थी वो उम्मीद जब सरकार का पलटा हुआ और केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार आई तो ये जो हमारा इशू था अनुसूचित जाति के मूल का चाहे वो मुसलमानों का चाहे वो ईसाइयों का वो आज ठंडे बस्ते में पड़ा है। मैं आज इस मंच से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक कि हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। मैं ना ज्यादा बोलते हुए आप सबके मनोबल को एक बार फिर बढ़ाने के लिए एक नारा दूंगा जिसमे आपने जवाब देना है। ईसाई और मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद, ईसाई और मुसलमान, ईसाई और मुसलमान, जय हिंद जय भारत जम्मू व कश्मीर।